शुक्रवार देहरा में सीडीएस कैंटीन के प्रांगण में उपमंडल देहरा और उसके आसपास के क्षेत्र के सेवानिवृत्त सैनिकों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत की दो दिन पहले तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुए दर्दनाक निधन के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान जनरल विपिन रावत तथा उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत, हिमाचली सपूत लांस नायक विवेक कुमार सहित हादसे में शहीद हुए अन्य सभी दिवंगत सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए दिल से हादसे में शहीद हुए भारत माँ के सपूतों को नमन किया। इसमें मुख्य तौर पर कर्नल वर्मा, कर्नल जीएस गुलेरिया, कर्नल मनीष कुमार, सूबेदार मेजर हरदीप सिंह, सूबेदार विजय विनोद निर्मल, हवलदार राजेश, शेर मोहम्मद, गुलशन मनमोहन, नायक पवन, मंजीत रोशन, वीर नारी जोगिंद्रो देवी एवं सेवा चंद और युद्धवीर सिंह आदि स्थानीय निवासियों ने भी हिस्सा लिया। आज हम यहाँ देहरा में सभी एक्सर्समैन जिसमें ऑफिसर्स जेसीओ आज यहाँ कैंटीन में इकट्ठे हुए हैं और जैसे सबको विदित है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी डेफोर यस्टरडे एक बड़े ही दर्दनाक हादसे में हेलीकॉप्टर क्रैश में उन्होंने शहीद हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी थी और सारे क्रू मेंबर्स थे। तो आज उस शोक की घड़ी में, उस दुख की घड़ी, हम सब इकट्ठा होकर उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं के लिए एकत्रित हुए। हम चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जिस हेप्टर में जनरल रावत ट्रैवल कर रहे थे वो दुनिया के सबसे सुरक्षित हेप्टरों में से एक माना जाता है, Mi-17। टेक्नोलॉजी बेस पे देख लीजिए या किसी भी वजह से, और उस वो जनरली हमारी वीआईपी फेरीज के लिए, जो वीआईपी लोग हैं उनको जाने के लिए यूज किया जाता है। और पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से Mi-17 के इस तरह के क्रैश होना बड़ा चिंताजनक विषय है। 2 इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की है और जो भी सामने आएगा पहलू उससे पता चल जाएगा। इसकी 2 वजह है। अगर ये टेक्नोलॉजी फेलियर से हुआ है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा हादसा हो गया। और अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कुछ और सामने आता है, कोई और संदिग्ध पहलू सामने आता है, तो वो भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए देहरा से सुनील कुमार।